सबो लैका पिचका औ जवान सियान मल्ला जय जोहार। मोर यूट्यूब चैनल सीजी के पारस में आप मन के स्वागत है। ए मोर नवा चैनल हरे, मोर जुन्ना चैनल संस्कृत व्लॉग के नाम से हेबे, जेमा में संस्कृत और हिंदी में वीडियो बनात हूँ। ए हरे मोर योग क्लास, हमारे यहाँ योगा सिखाया जाता है। अभी योग क्लास से मैं यहाँ आ चुके हूँ घर। अभी समय हो गया 11:30, बहुत लेट हो चुके हूँ, आज 1 घंटा लेट हो चुके हूँ। जो है अभी नाश्ता करने के समय हो चुके हैं। नाश्ता खाना दोनों एक के साथ करता हूँ मैं यहाँ। आज पोहा बने हैं थोड़ा सा, और ये रोटी का रोटी कहते रहे का डौका रोटी। दादा पहली बार सुना था डौका रोटी कहते हैं, और डौकी रोटी कौन सा कहते तेरे? अरे पतला रोटी डौकी रोटी है, डौका रोटी। और ये मिक्स वेज है खट्टा वाला, मखना हरे और ये रम के लिए हरे मतलब भिंडी। तो चलो शुरू करे जाए। ता कौन ला डौका रोटी अच्छा लगता है, कौन ला डौकी रोटी अच्छा लगता है, तू कमेंट में बताओ। ये हरे पोस्ट ऑफिस, यहाँ लेना है राखी भेजे बर कागज वाला चिट्ठी पत्री जो भी है। गंगा जल भी मिला थे डाक ऑफिस में। यहाँ मैं ले रहा हूँ लिफाफा 5-5 रुपए के 2 ठो, हमारा 20 ग्राम के राखी भेज सकथन। जब मोबाइल नहीं आ रही से ता इसने अंतरदेशी आए ओमा चिट्ठी लिख के संदेश लिख के भेजी। अगर आप मन भी वो जमाना से हो तो मोला नीचे कमेंट करके बताओ। मैं यहाँ भेजे तो नहीं हो, लेकिन इसने मोर दीदी मन भेजे मोला याद है। फिलहाल चाची हम मंगा रही से राखी भेजे पर। होलसेल राखियाँ, राखियाँ ही राखियाँ, राखियाँ उपलब्ध है हमारे यहाँ। अब नवापारा में सब तरफ राखी ही राखी, मुझे पूरा राखी के जो है स्टॉल लगी। काबर की रक्षाबंधन आवत है, एती एउडा राखी बेचावत है, एउडा राखी बेचावत है, सब तरफ राखी ही राखी। तो यह लिफाफा, लिफाफा में हमन अभी नाम लिखबो। यहाँ पे लिखबो प्रेषक, प्रेषक मतलब भेजने वाला, किसे हो? श्रीमान नरेंद्र तारा। बस थोड़ा से गुलाल डाला थे नो, ताकि तिलक लगा ही, क्योंकि गुलाल डाल दिया और राखी। और क्या डालोगे, मिठाई? फिर से आ गए हम यहाँ पोस्ट ऑफिस। काबर की ये लिफाफा के राखी ला ये मैं डालना है। अब यदि मन कैसे डाले थे ठीक से गे नहीं, देखो इसमें नहीं डालना है, देखो बता कैसे डालना है। अरे तो पूरा भरा गया, जगह नहीं है। मैं अपन वाला डाल देता हूँ भैया, ये पूरा भर के जात नहीं है, पीछे का रख दो। चल ठीक है, इधर रख दो। हाँ दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, चाचा खाना खाए भर गए हैं और मैं हब हूँ अभी चाचा के दुकान में। पूरा नल्ली के कार्यक्रम हुआ थे, सब जगह खोद डर है मन। आप मतलब पता नहीं हुई, लेकिन ऐसने मुरो एक थन दुकान है, अगर आप मन देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, मैं हाँ देखा हूँ। दुकान में फिलहाल बने बरा है एक तो मिक्सी और हरे मिक्सी के मोटर। मिक्सी सबसे ज़्यादा का चीज़ के कारण खराब होते हैं? दाल पिसाई के कारण। महतारी मना पहली बार दाल पीसते और एक के बारे में भुर्र हो जाते, अंदर के जो ये तार है दे वाला यह खराब हो जाते। ए हरे राजरानी सीजी ब्लॉक के सहेली के दुकान। और ये दुकान की खासियत ये है कि पूरा छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर आधारित राखियाँ, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ी संस्कृति के हिसाब से राखी बने हैं। धान, गोबर, बीज, दाल, चावल, मसाला एवं अन्य खाद्यान्नों से निर्मित राखियां उपलब्ध। प्रोप्राइटर रानी निषाद, मोबाइल नंबर ट्रक। अभी मैं आप मतलब राखी दिखाता हूं। और एक ये जो दुकान है इसमें जितना भी राखी है पूरा 100% हाथ से बनाया गया है। और पिछले 8 महीना से जब रानी रेशमा मन की शादी हुई से, योगू सीजी ब्लॉग और राजरानी सीजी ब्लॉग के जब शादी हुई से, तब से लेकर के अब तक के हमारे राखी बनाते। और पिछले साल भी राखी बना रही थी, लेकिन इस साल तो एकदम धमाल मचा दी। पैकिंग वैकिंग सब चीज़ एकदम एक नंबर। और आप मन देख सकते हो कि कितना सुंदर सुंदर राखी बने हैं, और प्राइस भी बहुत कम है। जैसे कि देखो ये वाला राखी है मात्र 10 रुपया, ये वाला राखी है एक रेट में लिखा है नहीं, आगे लिखा हो ही। देखो ये तितली बने हैं, यहूल देखो मात्र 20 रुपया, यहूल देखो हम कागज बीजा लगा है, और यहू हाथ से बने हैं, दिखते छे हाथ से बनाया सन। ये देखो गोबर ओबर की का कैसे बना है भगवान जाने, ही मन जानी, यहू बीजा लगा है। 5 रुपये का राखी देखो, इतना प्यारा राखी, इतना प्राकृतिक राखी, मात्र 5 रुपये का। ये भी 5 रुपये खरे, एक एक नग मतलब, ये भी 5 रुपये खरे, देख सकते हो।
एकर खासियत ये है रे कि एला पहिने से नजर नहीं लगे कवर की में मिर्ची बीज लगे हमन हा ये एको बारे हां एक खाद बन जही। हां कोई भी बहन है अपन भाई ला अगर पहना ही ना तो अगर कोई भी जगह फेंका थे राखी है तो वो कचड़ा बन जाते कई ठन और ये कोई भी जगह अगर फेंका जही ना ये जो बीज है ना वो एक ठन वृक्ष के निर्माण ली। ये जबरदस्त एकर उद्देश्य यही है रे मतलब ऐसे राखी जो उतारे के बाद पेड़ बनने वाला है। एक खास बात है ये पूरा राखी के देखो ये जो राखी है जिस ये वाला एम बीज है तो एक ये जो बीज है कल के डेट में पेड़ बनी ये जो बीज है ये धान हरे कल के डेट में ये पेड़ बनी और टोटल 80 प्रकार के डिजाइन है और सारा हाथ से बनाए हुए है। अच्छा देखो ये जो है कलिंदर बीज है रे अच्छा ये लाल भाजी बीज हरे वाला ये देखो ये है लाल भाजी बीज है मतलब पूरा पेड़ पौधा पहनाना है और का चीज के बीज हरे बताते जाओ। ये देखो ये है मूंग है मूंग तो ये है रे तोरई के बीजा ये देखो ये चावल की राखी धान की राखी ये देखो सौंफ के राखी इतना प्यारा सबसे प्यारा तो मुझे यही लगा सौंफ के राखी। अरे बाप रे राखी पहना हुआ सौंफ के पेड़ उगी बाद में। ये देखो ये धान की राखी है रे नीला और पीला वाला धान बढ़िया एक नंबर कितना प्यारा लगा थे मोला जो मतलब भी राखी पहनाना है ऐसने कहीं को शुक्ला पहना हूँ मोला सौंफ वाला ज़्यादा प्यारा लगा थे सौंफ वाला पहना सकता यो धान के हरे कितना बढ़िया है। ये आप मन देख सकते हो एक गेहूं की राखी हरे देखो ये हरे 70 रुपए के कितना प्यारा है यही 7-8 महीने से देख रही हूँ। तो ये जो बहन है संस्कृत ब्लॉग ला सब्सक्राइब करे पिछले 7-8 महीने से मुझे जानते हैं और लेकिन अभी जो मेरे चैनल के नाम है वो हरे सीजी के पारस ठीक है। ये देखो ये हरे 80 रुपए के इससे बहुत मेहनत लगा है इसलिए और यहू हरे 80 रुपए के बहुत मेहनत लगे हैं मैं। अभी 5 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर्सनल योग क्लास लेकर आ रहा हूँ ये पीछे वाला घर में अपन देख सकते हो। गाड़ी में पेट्रोल भरवाथन और चलथन घर। चावल के रेट है 1 रुपये किलो और पेट्रोल के रेट है 100 रुपये किलो। अभी मैं आ चुका हूँ घर और देखो सब जन मना डांस की तैयारी कर रहे थे कल कुलेश्वर मंदिर में डांस होने वाला है और ये हरे टीचर वैशाली तारक और ये सब जन सिखावा थे। अच्छा बताओ मोर चैनल के का नाम है सीजी के पारस। पुराना वाला भुला गए रे मोर पिताजी के पिंडदान। अभी हमन हा तालाब से नहा के आवत हन और जो मोर हाथ में जो थाली है ओमा जो पिताजी के अस्थि है जो तालाब कर ऐसे मटका में बांध के लटकाए रखे वहाँ से निकाल के और नहा के नहा धो के धो पोछ के और लात हन। अभी सब जन मन हा आरती कर ही तिलक कर ही। मैं हाँ आज के दिन असम से आ रहा हूँ तेकर से ती बाल भी नहीं दे रहा हूँ तो ये सब कार्यक्रम होने के बाद में बीच में जो है मुंडन करा हूँ। अस्थिला दूध और चमेली के तेल से स्नान करा थे। मैं हाँ पीढ़ा में खड़े रहो और मोर हाइट ज्यादा हुआ तरी से तेकर से थी मैं थोड़ा झुकत रहूं ताकि सामने वाला मतलब दिक्कत मत हो तिलक लगाए में। इला झाड़ी लगेगा।
हरा टीका लगा हूं हरा जरदा खाली चढ़ा ले अब मोर चाचा मोर हाथ लधर के लेगा थे अब हमन जाबो नदिया पिंडदान करे बर सर्व भोजन गंगा याम नेमित विभुक् चार पामना है नेमित स्नान प्रकार भोजन हम दातुभ्य हम दसो गायत्री एकादश श्राद्ध कर्म निमित्त का थोड़ा थोड़ा जल डाल जल पिवामी नेमित विभुक्ति चार पामना है नेमित श्रीपद गंगा याम नेमित निमित वर्ष पर्यंत निमित साव प्रतिष्ठा बोला जोन भी देना है सब पिंडा पानी बर्तन कपड़ा गऊ अनाज छत्ता पनीर पलंग चुपेटी ब्राह्मण भोजन गौ दान के निमित्त यथाशक्ति एक वक्त पानी में डालो पानी में पानी में ऐसा उल्टा नहीं और तरफ में जो भी चार फूट बनता है ये चार बनते हैं तो आप तो पानी में पानी ले लेते हैं पिंड दान करे के बाद हमन आगे हैं नदिया में नहाए बर और ए हरे मोर छोटे भाई वासु के अभी हमन आगे हैं मंदिर में राजीव लोचन मंदिर में लेकिन मंदिर अभी बंद है तो हमन बाहर से ही पूजा करके चल देन ओकर बाद हमन आयन कुलेश्वर महादेव मंदिर में और एहर दिलीप भैया और वासु और राजा पिंडदान करके आए के बाद हमन एक ठन मंदिर में बैठे हैं और अभी हमन के सब जन के तिलक वगैरह करी और करवा माता की जय राजीव लोचन की जय जय मंदिर से अब हमन आ चुके हैं घर में अब घर में जो भी गमछा वगैरह देना थे ओला दी से और पिंडदान के घर में जो अंतिम पूजा होते वो हुआ थे और पूजा होए के बाद घर के माटी में जा कर के जो है एक और छोटे से लास्ट में कुछ होते तो आप मन भी प्रार्थना करो कि भगवान मोर पिताजी के आत्मा ला शांति दे देखो कौन है प्राची कहाँ है ये है प्राची और ये छोटी सी बच्ची कौन है मिष्टी कौन है मिष्टी इसका नाम है मिष्टी मेरा हाँ क्या नाम है आपका मेरा हाँ क्या नाम है खुशी और इसका क्या नाम है बम्बी और इसका क्या नाम है प्राची हाँ और इसका क्या नाम है बारा क्या नाम है बारा अब अगले दिन भांचा दान वाला कार्यक्रम हुआ थे पप्पू हरे पप्पू हरे आई जा पर करू नहीं छोटू
मैं उठा सका बहुत गरु बोला उठा। अरे हाँ यार मैं क्या करूँ यार बड़ा वजन है। अरे वो माथा गांधी छपे हो मैं। अरे यार एक आठ खेल खाली उठा लाइक बहुत वजन है। ला भाई कौन है कैमरा वाला मैं नो। अगर ये वीडियो हो आप मन के दिल ल छुईस तो का करना है आप मन ला पता है। आज के वीडियो बस इतने दूर तक देखे बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।